हेलो गाइज, हमारे चैनल दीपक वसवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में जो स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाकर सुसाइड कर लेते हैं उसके बारे में एक जबरदस्त काल्पनिक मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी मैंने खुद बनाई है, खुद क्रिएट की है, और इस स्टोरी की मदद से मैं स्टूडेंट को एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ, एक अच्छा संदेश देना चाहता हूँ। अगर आपको ये मेरा संदेश पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स को जो स्टूडेंट है उन लोगों को व्हाट्सअप या फिर अलग सोशल मीडिया साइट्स पर इसको शेयर करें, ताकि किसी की जान बच जाए, कोई सुसाइड करने से अपने आप को बचा ले। तो चलिए स्टोरी जानते हैं। दोस्तों, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया में 8 लाख से भी ज्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं, यानी हर 40 सेकंड पर एक इंसान सुसाइड करके मर रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि दुनिया में कितने ज्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया में देखा जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे यहाँ एक घंटे में एक इंसान सुसाइड करके मर जाता है, और हमारी इंडिया दोस्तों उन कंट्रीज़ में शामिल होती है जिन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा सुसाइड हर साल होते हैं। उन कंट्रीज़ की लिस्ट में हमारे इंडिया भी शामिल है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे इंडिया में कितने ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं। 5 मई 2019 को मैं किसी रास्ते से गुजर रहा था, तब मैंने एक पेड़ के नीचे एक लड़के को बैठा हुआ देखा जो बहुत ही नाराज़ था, बहुत ही उदास था। उसका मुँह ऐसा था, वो इंसान बहुत दुखी था, वो लड़का बहुत दुखी था। तो मैं उसके पास गया और जानने की कोशिश की कि उसको क्या हुआ है। तो मैंने उसके हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन देखा और उसने एक वेबसाइट ओपन करके रखी थी जिसमें उसका बोर्ड के एग्ज़ाम का रिजल्ट दिख रहा था। तो मैंने देखा कि वो अपने 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है। तो फिर मैंने उसको ये पूछा, यार इतना नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ये बोला, मैं फेल हो गया और मैं अपने घर पर जाना नहीं चाहता, मैं कहीं पर भी जाना नहीं चाहता, मैं सुसाइड करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना हार्ट काट कर मर जाऊँ, किसी ट्रेन के आगे आकर मर जाऊँ, किसी ट्रक के आगे आकर मर जाऊँ, किसी बिल्डिंग से कूद जाऊँ, किसी कुएं में कूद जाऊँ, या किसी नदी में कूद कर मर जाऊँ, या फिर किसी फांसे का फंदा लगा के मर जाऊँ, या फिर मैं पॉइजन पीकर मर जाऊँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह मरूँ, कौन सा रास्ता मेरे लिए सबसे आसान रहेगा, कौन सी चीज़ अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो सबसे जल्दी मैं मर जाऊँगा। तो यार उसकी ये बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए कि ये लड़का यार बहुत पागल हो चुका है, इसको किसी भी तरह से समझाना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये कुछ ना कुछ गलत कर देगा और अपने फैमिली को दुखी कर देगा। तो मैंने कुछ सोचा कि चलो कोई तरकीब निकालते हैं जिससे ये लड़का बच जाए। तो मैंने उसको ये पूछा कि तुम एग्ज़ाम में फेल हो गए, और अगर तुम घर पर जाकर ये बताते हो कि मैं अपनी एग्ज़ाम में फेल हो गया तो क्या तुम्हारी फैमिली को दुख होगा। तो उस लड़के ने ये बताया कि हाँ एब्सोल्युटली दुख होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा, दुख तो होगा ही होगा यार, मैं अपने एग्ज़ाम में फेल हो गया, मेरे फैमिली वाले खुश कैसे हो सकते हैं। उसके बाद मैंने उसको एक सेकंड क्वेश्चन किया कि अगर तुम सुसाइड कर लेते हो तो क्या इससे तुम्हारी फैमिली को दुख होगा। तो उस लड़के ने ये बताया कि मैं अपने एग्ज़ाम में फेल हो गया उससे कहीं गुना ज़्यादा दुख तब होगा जब मैं सुसाइड कर लूँगा। मेरी फैमिली को सबसे बहुत ज़्यादा दुख होगा, वो अच्छे से खा नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, अच्छे से अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। अगर मैं चला गया तो वो मुझे ही याद करते रहेंगे, उनका दिल कहीं नहीं लगेगा, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, मैं कह नहीं सकता वो कितने ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तो फिर मैंने उसको वापस तीसरा क्वेश्चन किया, तो यार देखो अगर तुम फेल हो गए तो फैमिली को बहुत कम दुख होगा, लेकिन अगर तुम सुसाइड कर लेते हो तो फैमिली को बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम फेल हो गए तो कोई बात नहीं यार, तुम दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो, दोबारा मेहनत करके तुम अच्छी एग्ज़ाम दे सकते हो सकता है तुम दूसरी बार पास हो जाओ, लेकिन अगर तुम चले गए तो वापस नहीं आओगे। अगर तुमने सुसाइड कर लिया तो तुम्हारी फैमिली कितनी भी रो रो के मर जाए तुम वापस नहीं आओगे, एक बार चले गए तो वापस नहीं आ पाओगे, तुम आना भी चाहोगे तो नहीं आ पाओगे, तुम्हारी फैमिली इतनी ज़्यादा दुखी हो जाओगी तुम कह भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तुम अगर चले गए तो वो रो रो के खुद को कहेंगे कि यार हमारा लड़का अगर खुद घर आता हमको बताता कि मैं फेल हो गया तो कोई बात नहीं यार, हम उसको ये बताते कि तुम दोबारा मेहनत करना, तुम खुद अकेले दुनिया में ऐसे इंसान नहीं हो जो एग्ज़ाम में फेल हो गया,
ऐसे बहुत सारे लड़के जो फेल हो जाते हैं, बाद में वो मेहनत करते वापस पास हो जाते हैं। तो तुम भी टेंशन मत लो, तुम भी दोबारा मेहनत करना, पास हो जाना, कोई बात नहीं अगर फेल हो गए तो। तो अगर लड़का हमारे घर आता तो हम उसको ऐसी बात बताते, लेकिन यार क्या बात हो गई यार, कैसा हमारा नसीब है, क्या हो गया हमारे साथ कि हमारा लड़का खुद घर ना आया और यार हमको ऐसे दिन दिखा गया कि वो चला गया, उसने सुसाइड कर लिया, बहुत बुरी बात है यार। तो वो रो रो के मर जाएंगे, मैंने उसको ये बताया। तो लड़के ने बोला हाँ भाई सही बात है कि मैं फेल हो गया, उसकी वजह से अपनी फैमिली को छोड़ के जाने के बारे में नहीं सोच सकता। आप यहाँ पर भगवान बन के आ गए, फरिश्ते बनकर आ गए यार, आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली यार, आपका थैंक यू यार, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा यार, कि आपने मुझको एक बहुत अच्छी बात सिखा दी कि मैं फेल हो गया उससे मेरे फैमिली को बहुत कम दुख होगा, लेकिन अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरे फैमिली जीते जी मर जाएगी, वो अच्छे से जी नहीं पाएगी। आप एग्ज़ाम में फेल हो गए और सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे एक बात याद रखना, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से एक माँ बाप अपनी बेटी खो देते हैं, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से एक माँ बाप अपना बेटा खो देते हैं, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से एक बहन अपना भाई खो देती है, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से एक भाई अपनी बहन खो देता है। एक बात याद रखना मेरे दोस्त कि आप अपनी फैमिली के लिए हीरे से भी ज़्यादा कीमती हो, आप अपनी फैमिली के लिए वो चीज़ हो जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, आप उतने ज़्यादा कीमती हो जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, अपनी फैमिली के लिए आप इतने ज़्यादा कीमती हो। आप क्या ये सोच रहे हो यार कि आपने डिसाइड कैसे कर लिया मरने के बारे में, आपको इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, उस फैमिली को छोड़ के कैसे जा सकते हो, आपने कैसे सोच लिया? एक बार आप चले जाओगे तो अपने फैमिली को दोबारा नहीं मिलोगे, आप आपकी फैमिली कितनी भी रो रो के गिर गिला रहे आप दोबारा नहीं आओगे, लेकिन एक बार एग्ज़ाम में फेल होगे, दो बार फेल होगे, तीन बार फेल होगे, कितनी भी बार फेल होगे दोबारा आप एग्ज़ाम दे सकते हो, दोबारा स्टडी कर सकते हो, दोबारा पास होके दुनिया को दिखा सकते हो, लेकिन एक बार चले गए सुसाइड कर लिया तो दोबारा नहीं आओगे। तो आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, टेंशन कितना भी आए यार ऐसी सिचुएशन में आपको जरूर टेंशन आएगा, लेकिन आपको उसके सामने लड़ लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं फेल हो गया तो मेरे फैमिली क्या सोचेगी, मोहल्ला वाले क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे टीचर्स क्या सोचेंगे, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, कुछ भी नहीं सोचना है आपको दोस्तों, आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, आपको जीना है, पास होके दिखाना है। और पास नहीं हो रहे बार बार एग्ज़ाम देने के बाद भी, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार एग्ज़ाम देने के बाद भी पास नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया कि पास नहीं हुए उसके बावजूद भी वो आज अच्छी पोजीशन पर है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम में पास हो जाना, ज़रूरी नहीं दोस्तों एग्ज़ाम में पास हो जाना, क्योंकि आप एग्ज़ाम में फेल हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी की एग्ज़ाम में अभी आप फेल नहीं हुए हैं, ज़िंदगी की एग्ज़ाम में आप मेहनत करोगे कि ज़रूर पास हो जाओगे। दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये छोटा सा मैसेज कैसा लगा, और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया साइट्स पर, ताकि कोई किसी इंसान की ज़िंदगी बच जाए। हमको नहीं पता होता कि कब कौन सा इंसान सुसाइड करके मर जाने वाला है, वो हमको बता के सुसाइड नहीं करता है। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए, और बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।